नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मऊ जिले के घोसी उपचुनाव में बीजेपी से कड़ी टक्कर के बीच भारी मतों के अंतर से जीते सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने आखिरकार विधानसभा सदस्य की शपथ ले ही ली। वहीं विधायक बनने के बाद सुधाकर सिंह विवादों से बचते भी दिखे। दरअसल सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधान भवन के अपने कक्ष में सुधाकर सिंह को शपथ दिलाई है। सुधाकर सिंह की शपथ के दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान नवरत्न यादव भी नजर आए। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया के सवालों पर सुधाकर सिंह ने जीत का श्रेय जनता को दिया। साथ ही घोसी में प्रचार के लिए बीजेपी की फौज उतारने के सवाल पर सब ठीक है कहकर चुप हो गए। घोसी में जो बहुत बड़ी जीत मिली है तो वहाँ की जनता ने लड़ा, वहाँ की जनता ने जीता, उसमें हमारा कौन एहसान है। सरकार पूरा जो डिप्टी सीएम मंत्री जी सारे लोग लगे थे, पूरा मतलब सरकार लगी हुई थी, तो आप वहाँ अकेले थे, इसको कैसे देखते? अब पता कर लीजिएगा ये लोग क्या कर रहे थे। सब केशव मौर्या जी तो हमारे साथ विधायक रहे हैं, सब ठीक। सुधाकर सिंह के इस बयान से साफ हो गया है कि वो विधायक बनने के बाद विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह को कुल 1,24,427 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट ही मिल पाए थे। इसी के साथ सुधाकर सिंह ने 42,759 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज कर दी थी, जबकि प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी दी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी का कद अब पहले से और बढ़ गया है। वहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत से कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन की भी हिम्मत बढ़ी है। साथ ही सपा के बढ़ते कद से 2024 चुनाव में यूपी में भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।